हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके चल रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और द कैपेसिटर्स, संधारित्रों पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके न्यूमेरिकल्स के बहुत काम हो सकते हैं। बूझो है जो सवाल को पूछते हैं, ही हैज ए डिजायर, उन्हें जानने की बहुत अधिक इच्छा होती है, नए क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और पहले उनका आंसर देती है। तो बूझो का हमारा प्रश्न है, बूझो पूछते हैं, बूझो ज्यादा चाहते हैं कि अगर कोई कैपेसिटर है, कोई संधारित्र है जो पूर्ण रूप से आविष्कृत है और किसी बैटरी से कनेक्ट है, मतलब उसकी प्लेटों को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और उस कनेक्टेड कैपेसिटर को, उस जुड़े हुए संधारित्र को जो बैटरी से जुड़ा हुआ है, उसके प्लेटों के बीच की दूरी को हम आधा कर देते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी प्लेटों के आवेश पर, क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी कैपेसिटेंस पर, क्या प्रभाव पड़ेगा प्लेटों के बीच में वोल्टेज पर, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पर और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर, इस सब पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे अगर हम बैटरी से जुड़े हुए किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दे, तो ये बूझो ज्यादा चाहते हैं इस सब का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ही इज ए डाउटफुल पर्सन, पहली कहती है आंसर्स आर वेरी सिंपल, बहुत सरल आंसर है। पहली बताती है क्योंकि प्लेटें बैटरी से हमारी कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, इसलिए प्लेटों को हम कितनी ही पास में ले आए या प्लेटों को हम दूर ले जाए, प्लेटों पर जो विभवांतर होगा, प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो कभी नहीं बदलेगा। पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जब तक कैपेसिटर की प्लेटें किसी बैटरी से कनेक्ट रहती है तब तक हम प्लेटों को हम खिसका करके चाहे पास में कर ले, चाहे प्लेटों को खिसका करके हम दूर कर ले, उनके बीच का गैप बढ़ा दे, प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वो कभी नहीं बदलता। तो ये तो इफेक्ट हुआ पोटेंशियल का। फिर पहली बताती है आवेश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्लेटों पर आवेश का प्रभाव जानने से पहले हम धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो इसको पहले हम देखते हैं। आपको मालूम है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो कैपेसिटेंस होती है, जो धारिता होती है, उसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी। अब डी के बाद को हमने डी अपॉन टू कर ले, आधा कर दे, तो सी का मान डबल हो जाएगा, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर धारिता बढ़ करके दुगनी हो जाएगी, धारिता बढ़ जाती है, प्लेटें पास में खिसकाने पर धारिता बढ़ती है, प्लेटें दूर करने पर डी का मान बढ़ेगा, धारिता घटेगी। तो ये इफेक्ट हो गया हमारा कैपेसिटेंस पर। उसके बाद पहली बताती है जो प्लेटें हैं जो आवेशित है, क्यों आवेश है जिनमें पहले से, उस आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो आपको फॉर्मूला मालूम होता है कि यूज करते होता है सी इंटू वी, वी का बार हमारा उतना ही है, वोल्टेज उतनी ही है प्लेटों के बीच में, बिकॉज द प्लेट्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी, बैटरी को हमने अभी डिस्कनेक्ट नहीं किया हुआ है, बैटरी हमारी लगी हुई है, तो विभवांतर तो प्लेटों के बीच उतना ही होगा, सी का बार हो गया डबल, तो जिस सी डबल हो जाएगा तो क्यू का बार भी तो डबल हो जाए, प्लेटों पर जो आवेश होगा वो भी दुगना हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले ने ये बताई कि अगर हम बैटरी लगे हुए किसी संधारित्र की प्लेटों को आगे पीछे खिसकाएं तो दो चीजें बदलती हैं, एक तो उसकी कैपेसिटेंस बदलेगी और दूसरी प्लेटों पर आवेश बदलेगा, वोल्टेज नहीं बदलेगी प्लेटों के बीच में।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें प्लेटो के बीच में स्थित ऊर्जा की, तो देखो स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एक ये भी तो फॉर्मूला है, जैसे और भी है उसमें एक ये भी है वैद्युत स्थित ऊर्जा इक्वल टू एक बटे दो सी ए टू वी स्क्वायर। वी का बात तो कॉन्स्टेंट है, सी का बात डबल हो गया तो वैद्युत स्थित ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। अब हम बात करें प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है वी इक्वल टू होगा ए इंटू डी, कॉमन फॉर्मूला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा, और प्लेटों के बीच में विभवांतर देखें तो वी इक्वल टू होता है ए इंटू डी, फ्रॉम हियर ए इक्वल टू होगा वी अपॉन डी। अब वी का बात तो कॉन्स्टेंट, वी का बात एज इट इज समान है, डी की जगह हमने कर लिया डी अपॉन टू, तो जब डी की प्लेस पर डी अपॉन टू करेंगे तो टू हमारा ऊपर चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल वैल्यू का हो जाएगा। बेस प्लेटें पास में लाए गए तो फील्ड की पावर बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट हुए इस सभी बातों पर, बुजुर्गों के मन में एक नया क्वेश्चन और एराइज हुआ, एक नया क्वेश्चन और पनपा, और कहा बात तो तुम्हारी सही है पहली, अब हमें एक बात बताओ कि अगर हमने ये तो हमने आपने आंसर तब दिए हैं जब हमने प्लेटों के बीच में जो बैटरी है वो लगी हुई है, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे मतलब किसी कैपेसिटर की प्लेटों को हम पूर्ण रूप से आवेशित कर ले, आवेशित करने के बाद बैटरी को हम हटा दें और हटाने के बाद फिर हम वही करें प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दें, तो अब क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सभी फैक्टर्स पर, अब आप हमें आंसर बताइए। तो पहले ही उत्तर देती है, आंसर्स आर वेरी सिंपल, जब हम आवेशित प्लेटों के बीच में जो बैटरी लगी हुई है अगर बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा आवेश जो होगा वो प्लेटों पर उतने का उतना ही रहेगा, चाहे प्लेटों को पास में ले आए चाहे प्लेटों को दूर ले जाए आवेश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवेश उतना ही रहेगा, तो आवेश अपरिवर्तित रहेगा। बात आती कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस तो डबल हो जाएगी अगर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देते हैं तो। उसके बाद अगर हम वोल्टेज की बात करें प्लेटों के बीच विभवांतर की बात करें तो विभवांतर वी इक्वल टू था क्यू अपॉन सी, हमारा क्यू का मान उतना ही रहा, सी का मान डबल हो गया तो वोल्टेज रह जाएगी आधी, यानी प्लेटों के बीच विभवांतर वन अपॉन टू रह जाएगा पहले का। तो यहां से देखो पहली बताती कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह समझ में आती है कि जब तक प्लेटों के प्लेटों पर हमारी बैटरी लगी रहेगी तब तक वोल्टेज नहीं बदलेगी, आवेश बदलेगा, कैपेसिटेंस बदलेगी, लेकिन जैसी बैटरी को आप हटाओगे वोल्टेज बदल जाएगी कैपेसिटेंस बदल जाएगी लेकिन आवेश उतना ही रहेगा। तो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि किस कंडीशन में क्या बदलता है। पहली आगे के आंसर्स और देती है, वैद्युत क्षेत्र की बात करती है, वैद्युत क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ेगा प्लेटों के बीच में, तो जैसे वी इक्वल टू था ए इंटू डी, ई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन डी, वी का मान आधा हो गया डी का मान भी आधा कर दिया तो वी और डी दोनों हाफ हाफ हो जाने से हमारा ये टू और टू कट जाएगा हाफ का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पावर उतनी ही रहेगी, वैद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित रहेगा प्लेटों के बीच। अगर आप करें बात करें वैद्युत स्थित ऊर्जा की तो इक्वल टू होता है हाफ क्यू बी, हाफ क्यू बी से भी आप लिख सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर से भी लिख सकते हो, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी से भी रिजल्ट लिख सकते हैं, एक ही तरह का आंसर आएगा। तो अब यू लिखा, यू इक्वल टू लिखा हाफ क्यू बी, इसमें बी का बाद आधा हो गया, U का मान अपरिवर्तित रहा उतना ही रहा, तो V आधा हो जाने से
हमारी प्लेटों की जो जो वैद्युत स्थित ऊर्जा होगी जो सज्जित हुई हुई है वो आधी रह जाएगी। तो ये कवर हाफ। तो ये हमारे पहले के आंसर्स थे जो भूजो के द्वारा पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भूजो पूछना चाहते हैं, चलो ये बात समझ में आ गई कि हम बैटरी को कनेक्ट रहने दें प्लेटों के पर या बैटरी को हटा दें तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये बात हमें समझ में आई। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे कैपेसिटर है पूर्ण रूप से आवेशित है, अब उस पूर्ण रूप से आवेशित कैपेसिटर की प्लेटों के बीच हम कोई परावैद्युत माध्यम भर दें, परावैद्युत माध्यम पूरा पूरा भर दें, के बार का परावैद्युत माध्यम उसमें रख देते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आवेश पर, वैद्युत धारिता पर, वोल्टेज पर, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता पर और वैद्युत स्थित ऊर्जा पर। पहले क्या आप इन सबके आंसर हमें बता सकते हैं? एक्चुअली पहली बहुत शार्प माइंड की है, तेज दिमाग की है, तो बताते हैं इसके आंसर तो बहुत सिंपल है। जब आवेशित प्लेटों के बीच में, सैद्धांतिक प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भरते तो परावैद्युत माध्यम भरने पर क्यू का मान नहीं बदलता, आवेश का मान नहीं बदलेगा, जितना प्लेटों पर उतना आवेश था उतना ही बना रहेगा। लेकिन परावैद्युत माध्यम भर देने से उसकी जो कैपेसिटेंस होगी, सिद्धांत की जो धारिता होगी वो के गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला सी इज़ इक्वल टू द के इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, तो धारिता बढ़ जाती है। इसीलिए पहली कहती है, इसीलिए हम किसी सिद्धांत को अगर धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके प्लेटों के बीच में या तो बॉब भर देते हैं या कागज भर देते हैं जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाए, उसकी धारिता बढ़ जाए। तो धारिता को बढ़ाने का एक कॉमन तरीका यह है। तो कैपेसिटेंस बढ़कर के गुणी हो जाएगी। बात करें वोल्टेज की तो फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू सी इनटू वी, तो वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, क्यू का मान उतना ही रहा, सी का मान के गुणा हो गया, तो नीचे जब के आएगा तो वोल्टेज प्लेटों के जो वोल्टेज या विभवांतर घट करके बनापुर के गुणा रह जाएगा, मतलब प्लेटों के बीच विभवांतर कम रह जाएगा। हम यू भी कह सकते हैं विभवांतर कम रह जाएगा तो उतने विभवांतर के लिए हम उसको हम और आवेश दे सकते हैं, धारिता को बढ़ा सकते हैं, धारिता बढ़ जाएगी। तो फिलहाल यहां पर जब धारिता का मान हमारा के गुणा हो गया तो वोल्टेज होगी वो बनापुर के गुणी रह जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की बात करें, ई की बात करें तो वी इक्वल टू था ई टू डी, हमने डी में तो कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ परावैद्युत माध्यम ही तो भरा है, तो यहां पर जो कि वोल्टेज प्लेटों के विभवांतर बनापुर के गुणा रह गया तो ई का मान भी तो बनापुर के गुणा रह जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी घट जाएगी। और अगर हम वैद्युत स्थित ऊर्जा की बात करें तो ई इक्वल टू था हाफ क्यू वी, क्यू का मान तो उतना ही है, वी का मान घट के बनापुर के गुणा रह गया तो वैद्युत स्थित ऊर्जा भी घट करके बनापुर के गुणा। तो देखो इस पूरी क्रिया में हमारा आवेश तो अपरिवर्तित रहा, सिर्फ धारिता बढ़ी, बढ़ करके के गुणी हो गई, बाकी प्लेट नीचे विभवांतर, उस प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता और प्लेटों के बीच जो वैद्युत स्थित ऊर्जा है ये सब के सब घट गए और घट करके रह गए बनापुर के गुणी। भूजो के मन में एक प्रश्न और उठता है कि अगर कोई आवेशित संधारित्र है, पता नहीं अजीब है भूजो ये, इनके बारे में कैपेसिटर के बारे में सभी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो बुझो ये पूछना चाहते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेटें पूर्ण रूप से आवेशित है और हमने उसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है, वोल्ट मीटर लगा रखा है प्लेटों के बीच में और प्लेटों को हम धीरे धीरे पीछे हटा रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा रीडिंग होगी क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा?
तो देखो, जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा वो वोल्टेज से तो होता है। इस प्लेटों के बीच में अगर वोल्टेज बढ़ती है, विभवांतर बढ़ेगा तो पाठ्यांक बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटेगी तो पाठ्यांक भी कम हो जाएगा। तो हमें पहले ये देखना होगा प्लेटों के बीच में विभवांतर घटा या बढ़ा। तो कॉमन सी बात है, जब प्लेटों को दूर हटाएंगे तो हमारी कैपेसिटेंस होगी वो घटेगी। प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है, प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर कैपेसिटेंस घटती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है सी इज कट होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी। तो प्लेटों को दूर खिसका, पीछे खिसकाए तो डी का मान बढ़ने से कैपेसिटेंस सी का मान घटेगा, लेकिन क्यू का मान उतना ही रहेगा। तो अब वोल्टेज देखेंगे, विभवांतर देखेंगे प्लेटों के बीच में, तो वी इज कट हो जाएगा क्यू अपॉन सी। क्यू का मान हमारा उतना ही है, सी का मान हमारा कम हो गया, तो सी कम हो जाने से हमारा प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा वो बढ़ जाएगा, और विभवांतर बढ़ जाने से हमारा वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी, जो पाठ होगा, वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वोल्टमीटर का पाठ बढ़ेगा हमारा। और फाइनली बुजो के मन में एक प्रश्न और उठता है जिसे वो पूछना चाहते हैं। वो कहते, पहले ये बताओ जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जो कुचालक पदार्थ होते हैं, वो क्या एक ही है या अलग अलग। बूझो बड़े डाउटफुल में है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये जो कुचालक पदार्थ है, जो परावैद्युत है, वो एक ही जैसे हैं, क्योंकि टीचर ने, उनके टीचर ने ये बताया कि परावैद्युत वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, कुचालक भी वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होती। फिर व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों में फर्क क्या है। तो पहले ही बताया कि परावैद्युत और कुचालक एक ही पदार्थ है, ये बिल्कुल सही है। न तो कुचालक पदार्थ में करंट फ्लो हो सकती है और न परावैद्युत पदार्थ में, परंतु बस फर्क इतना है कि जब किसी कुचालक पदार्थ को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वो वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब किसी प्लेटों के बीच में रखते, आवेशित प्लेटों के बीच में रखते, तो आवेशित प्लेटें अपना वैद्युत क्षेत्र तो बनाएगी। हम जो उस कुचालक पदार्थ को हम जब आवेशित प्लेटों के बीच में रखते, मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखते, तो उस कुचालक पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते, जो अणु होते, वो पोलराइज हो जाते, ध्रुवित हो जाते, और ध्रुवित हो जाने से एक फेस पर तो नेगेटिव चार्ज और दूसरे फेस पर प्लस का चार्ज डेवलप हो जाता है, जिन्हें बोलते हैं प्रेरित आवेश। और इन प्रेरित आवेशों के उत्पन्न हो जाने से उस कुचालक पदार्थ के भीतर एक और फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। और यही इस कंडीशन में जो कुचालक पदार्थ होते हैं वही परावैद्युत पदार्थ के नया नाम दे दिया जाता है। मतलब परावैद्युत कोई अलग नहीं है, दे आर द स्पेशली नॉन कंडक्टिव मेटीरियल्स। कुचालक पदार्थ ही होते हैं जो वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, और कोई नई बात नहीं है। मतलब जब कुचालक पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उनमें वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव पड़ने से वो जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, उसकी पावर को रिड्यूस कर देते, थोड़ा घटा देते, और इस कंडीशन में वही कुचालक पदार्थ कहलाते परावैद्युत। तो परावैद्युत तो कुचालक एक ही है, बस कुचालकों को जब हम फील्ड के भीतर रखते हैं, प्लेट्स के बीच में रखते हैं, तो वही कुचालक को डाल देते हैं परावैद्युत। तो मुझे बोलते हैं, कहते हैं थैंक यू पहेली, हमारे मन में थोड़े डाउट्स थे आपने क्लियर की, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर द रिजल्ट।